अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मैंगो शेक, जो गर्मियों के में मौसम में बहुत मज़े का बनता है। तो एक बार आप ज़रूर मेरे साथ बनाकर ट्राई करें। तो चले जी, यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और दो आम थे मेरे पास, जिन्हें मैंने धोकर साफ़ करके काट लिया है। किसी भी शेप में आप काट लें। और 5 चम्मच चाय के भरकर मैंने इसमें चीनी शामिल करी है। आप जितना मीठा और कम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है चीनी के साथ। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 गिलास दूध के, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास शामिल कर रही हूँ दूध के, और इसे एक बार अच्छे से दूध के साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो देखे जी, बस ये ग्राइंड हो चुका है और बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है। तो कुछ इस तरह से है। अगर आप इसे और पतला करना चाहते हैं तो और पतला कर सकते हैं। आइस डाल सकते हैं इसमें, या ठंडा पानी भी शामिल कर सकते हैं, या ठंडा दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी आइस डाल दूँगी, जिससे और ठंडा भी हो जाएगा और इसकी जो है गाढ़ापन कम हो के पतला हो जाएगा। तो आप इसे एक बार गर्मी में ज़रूर बनाएं इस तरह से। वैसे अभी आम खाने के तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ जूस बनाने के अच्छे हैं, तो जूस ज़रूर बना कर ट्राई करें। तो बस ये आइस शामिल करके आप इन्हें सर्व करें। तो देखिए जी, बस इस तरह से हो गया है। बस आप इससे भी ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो दूध शामिल करें, या आइस और शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, हम यहाँ पर इसको सर्व करते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें गिलास में निकालें, जल्दी से मेहमान आ जाए तो जल्दी से आप उनके लिए बना दें। तो ये ऊपर से आइस डालें, थोड़े से बादाम की कतरनें शामिल करें, और फिर काजू, किशमिश, जो भी आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं, पिस्ता, वो सब शामिल करके मेहमानों के सामने सर्व करें। अपने आप अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, और इसे अच्छे से इंजॉय करें। बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। एक बार ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।